टीम बाड़मेर द्वारा आयोजित करवाए जा रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निरंतर जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक में आयोजित हो रहे इस निःशुल्क समर कैंप का सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र पुरोहित ने निरीक्षण किया। एडीएम ने शिविर में भाग ले रहे बच्चों से वार्ता करने के साथ बच्चों द्वारा बनाए गए आर्ट एवं क्राफ्ट को देखा। वही 23 जून तक आयोजित होने वाले इस शिविर में भाग ले रहे बच्चों में उत्साह नजर आया। शहर गांधी चौक हाई स्कूल में टीम बाड़मेर की ओर से नगर परिषद के सहयोग से चल रहे निःशुल्क अभिरुचि कौशल विकास शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित, अखिल भारतीय रैगर महासभा के जिलाध्यक्ष भंवरलाल खोरवाल, समाजसेवी अक्षदान बारट, गांधी चौक स्कूल के प्रधानाचार्य कमल सिंह राणीगांव, टीम बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेश जाटोल व महामंत्री अबरार मोहम्मद ने अवलोकन किया। इस दौरान समारोह संबोधित करते हुए एडीएम सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने कहा कि शिविर में जो भी सीखा है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस प्रकार के शिविर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे आप अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हो। एक साथ करीब 800 बालिकाओं व महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देना टीम बाड़मेर की अनूठी पहल है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय रैगर महासभा के जिलाध्यक्ष भंवरलाल खोरवाल ने कहा कि सामाजिक सरोकार क्षेत्र में टीम बाड़मेर हमेशा अग्रणी रहकर बेहतरीन मिसाल पेश कर रही हैं। अक्षदान भारत ने कहा कि आज के समय में जो महिलाएं आत्महत्याएं कर रही हैं वो महापाप हैं। हम सबको इस पाप को रोकने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। टीम बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेश जाटोल ने बताया कि निःशुल्क अभिरुचि कौशल प्रशिक्षण शिविर करीब 800 बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिया जा रहा है। इससे पूर्व गांधी चौक स्कूल के प्रधानाचार्य कमल सिंह राणीगांव ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए शिविर की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन टीम बाड़मेर के हरीश सुथार ने किया व धन्यवाद टीम बाड़मेर के महामंत्री अबरार मोहम्मद ने ज्ञापित किया। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय का आप सदुपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं टीम बाड़मेर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। इतने सारी बच्चियों को एक साथ आपने एक मंच प्रदान किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे न सिर्फ इनका समय का सदुपयोग हो रहा है बल्कि ये अपनी हुनर को भी निखार रही है। यहाँ शिविर का अवलोकन करते हुए एडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने शिविर में बने व्यंजनों को चखकर जायका लिया। शिविर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली व जोधपुर के स्पेशल भेल ब्रेड रोल की अतिथियों को जमकर तारीफ की। शिविर में स्केचिंग, पेंटिंग, सिलाई, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर सहित विभिन्न हॉबियों में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अतिथियों द्वारा निर्णायक भूमिका निभाई गई।